क्या हाल है आप सबके। तो अभी हो रहा है रात का टाइम, मैं अभी किचन आई थी कुछ झटपट झटपट कुकिंग करने वाले चीज़ें, कुछ काम शाम थे तो सोचा क्यों ना मैं व्लॉग भी बना लूँ। साथ साथ फ्रूट्स रखे हुए थे काफ़ी सारे, ना मान खाते हैं ना फैसल खाते हैं ना मैं खाती हूँ, कीनू फिर भी थोड़े बहुत ले लेती हूँ, लेकिन अमरूद जो है वो अगर सैलड में डाल दूँ तो ठीक है। एप्पल भी ऐसे ही है कि अगर सैलड में यूज़ हो जाए तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ वैसे जो है वो फ्रूट्स कोई भी नहीं खाता। तो अच्छे खासे फ्रूट्स रखे हुए थे, मैंने सोचा रात में डिनर के साथ जो है वो फ्रूट चाट बनाते हैं, फ्रूट भी यूज़ हो जाएगा, ख़राब भी नहीं होगा, ज़ाया नहीं करना चाहिए और अच्छा भी है। सर्दियों के फ्रूट्स विटामिन सी ज़रूरी है स्किन के लिए भी। प्लस मैंने जब पिछली दफ़ा कुछ छुट्टियां आई थी तो मैंने कहा था कि मैं कुछ चाइनीज़ बनाऊंगी झटपट वाला, और वो रह गया था कामों में। तो अभी जब मैंने कुरान खानी रखी हुई थी तो उसमें जब मैं मैक्रोनी का पेस्ट बना रही थी जिसमें सारी सब्जियां और चिकन मैंने सौते करके और उसमें स्पाइसेस डाल दिए थे, तो मैंने वो बैटर ज़्यादा बना लिया था जिसमें सब्जियां और चिकन मिक्स करके मैंने मैक्रोनी का अलग कर लिया था और कुछ बैटर मैंने फ्रीज़ कर लिया था, क्योंकि ज़ाहिर है जो जॉब करने वाले होते हैं उनको हर एक चीज़ जो है वो क्विक करनी होती है, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो ये चॉपिंग में बॉयल और इन चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता है। तो चिकन भी मैंने बॉयल करके उसमें शामिल कर दी थी और पूरा बैटर रेडी कर दिया था फ्राइड राइस के लिए। तब मेरा दिमाग में ये नहीं था कि मैं फ्राइड राइस बनाऊंगी, मैंने कहा अगर फिर स्पैगेटी मैक्रोनी या कुछ प्लान हुआ और या फ्राइड राइस का हुआ तो चलो ये अच्छा है, वैसे कटिंग हो रही है तो ज़्यादा हो जाए, और उसको मैंने फ्रीज कर दिया। तो वो बैटर मेरे पास रखा हुआ है, अभी मूड बना तो मैंने कहा चलिए आज चाइनीज़ राइस जो है वो चाइनीज़ बनाते हैं। चाइनीज़ राइस की ऑलरेडी वो पेस्ट है तो राइस सिर्फ बॉयल करने हैं, वो मैंने बॉयल करने के लिए ऑलरेडी रख दिए हैं, बस रेडी होने वाले हैं, वो फ्राइड राइस रेडी करते हैं। प्लस मेरे पास जो है वो हॉट शॉट्स रखे हुए हैं, चिकन हॉट शॉट्स, उससे जो है वो झटपट आप चिकन मंचूरियन कह लो या चिकन कुछ भी कह लो, स्पाइसी चिकन कह लो, तो वैसे स्पाइसी हम इतना नहीं खाते हैं तो मैं माइल्ड ही रखूँगी, तो वो झटपट सी जो है वो हॉट शॉट वाली रेसिपी, क्योंकि चिकन मंचूरियन में मेन जो टाइम होता है वो सारा चिकन को मैरिनेट करना, चिकन को फ्राई करना, उसमें सारा टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आपके पास ये फ्रोजन आइटम रखे हैं वो वैसे तो फ्रेश अगर बनाए तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर मेरी तरह ऐसे झटपट वाला काम करना है फ़ौरन से और अचानक से आपका मूड है तो हॉट शॉट्स जो है वो मैंने रखे हुए इसी काम के लिए। तो अभी जो है वो उसका मंचूरियन वाला पेस्ट बनाएंगे और वो भी बहुत सिंपल सा है। पहले अपना जो अपनी फ्रूट चाट है वो रेडी करते हैं और फिर फ्राइड राइस और फिर मंचूरियन। ये मैं पील नहीं कर रही, ऐसे ही डालूंगी। जैसे आपको पसंद हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जिस शेप में काटना चाहें छोटे बड़े, मेन उसका मकसद है कि इसके विटामिन्स आपको मिले। आयरन, वैसे आयरन रात में ठीक नहीं है एप्पल खाना, तो मैं अभी बल्क में बना के रख दूँगी अगर मूड हुआ तो, क्योंकि इसमें और फ्रूट्स भी हैं तो इतना नुकसानदेह नहीं होगा, और बाकी जो है वो कल जब मैं वापस आऊँगी तो मुझे ठंडा ठंडा मिलेगा खाने को। Thank you.
अच्छा, फ्रूट चाट में अनार भी अच्छी लगती है, लेकिन इस टाइम मेरे पास है सेब, अमरूद, केले और ऑरेंज। तो कोई बात नहीं, फ्रूट चाट में आपके पास जो फ्रूट अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे गर्मियों वाली फ्रूट चाट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जिसमें तरबूज, खरबूजा और पपाया ये सब डाल देते हैं, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। बस हर एक का अपना टेस्ट है। ये फ्रूट चाट रेडी हो गई है, मैंने इसमें ऑरेंज जूस भी डाल दिया था और बाद में मैंने जब देखा तो कैमरा ऑन ही नहीं था। तो खैर अभी इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। वैसे एक छोटी सी टिप है कि अगर जब भी आपको डिनर वगैरह या कुछ उसके साथ साइड में कोई मीठा या फ्रूट्स में कुछ सर्व करना हो तो सबसे पहले उसको बना के रख दिया करें, ताकि वो अच्छे से चिल्ड हो जाए। भले ये ना सोचा करें कि ये बनने में कम टाइम लेगा तो हम इसको आखिर में कर लेंगे, फिर वो आखिर में उसका वो मज़ा नहीं आता। तो इसमें मैंने चीनी, थोड़ा नमक और काली मिर्च, चाट मसाला ऐड नहीं किया क्योंकि वो दिल नहीं चाह रहा और फैसल को मसाले बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, तो अगर मुझे खाना होगा मैं ऊपर से अपने लिए अलग से डाल दूँगी। अब इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ और ठंडा होने के लिए। ये जो मैंने आपको बैटर बताया कि मेरा ऑलरेडी रेडी रखा हुआ है, अभी मैं पैन गरम करूँगी और उसमें ये थोड़ा डाल के फ्राई करके, क्योंकि फ्रिज से निकाला है, और फिर इसमें राइस ऐड कर देंगे, तो हमारे फ्राइड राइस भी रेडी हो जाएंगे और फिर हम झट से मंचूरियन बनाएंगे। सोया सॉस और चिली सॉस, तो ये
मैं काट के ले आई हूँ। आप बोलेंगे क्या घास काट के ले आई है, ये एक्चुअली घास नहीं है। मैंने जो लहसुन लगाई है ये उसके पत्ते हैं और इसकी खुशबू बिल्कुल लहसुन वाली है, बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही है इसे। तो ये मैं काट के लाई हूँ और मैं अभी फ्राइड राइस के ऊपर जैसे वो स्प्रिंग अनियन काट के डालते हैं मैं ये डालूंगी। वेयर इज माय कैंची। ये हमारे झटपट फ्राइड राइस रेडी है और ये जो ऊपर लहसुन वाले जो लीव्स हैं ये मैंने डाले हैं। बिलीव मी इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको आप जो है वो खाना बनाते हुए जैसे हम धनिया डालते हैं फ्लेवर के लिए ना, तो ये भी आप डालेंगे तो बहुत मज़े का फ्रेश आपको लहसुन वाला टेस्ट आएगा। तो जी हमारी फ्राइड राइस तो रेडी हो गई है, अभी इसको हम दम पे रख देंगे। तब तक हम जल्दी से अपने मंचूरियन का जो पेस्ट है वो रेडी करते हैं। उसके लिए मैं चूंकि सिर्फ दो बंदों के लिए बना रही हूँ तो दो मीडियम साइज़ के टमाटर और लहसुन उसकी मैं प्यूरी बना लूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। तो ये मेरे पास हॉट शॉट्स रखे हुए हैं, अलग अलग ब्रांड्स में इनके अलग अलग नाम है। कुछ में हॉट शॉट्स चिकन हॉट शॉट्स के नाम से है, कुछ में चिकन पॉपकॉर्न के नाम से है, तो आप किसी भी ब्रांड के ले लें। मैं बस इनका टेक्सचर कुछ इस तरह से हो, कोटेड चिकन जो होती है, ठीक है। तो मैं इसका ब्रांड नहीं दिखा रही आपको, ये पहले मैं फ्राई कर लूँगी और वो पेस्ट रेडी कर लेंगे तो फिर मिक्सिंग करते हैं। तो अभी मैं ये फ्राई करने लगी हूँ। शॉर्ट्स फ्राई हो गए हैं और टमाटर और लहसुन मैंने साफ कर लिया है। लहसुन जो है वो जितना ज़्यादा आप डालें उतना अच्छा टेस्ट आता है। चाइनीज़ खानों में जो है वो इसका यूज़ ज़्यादा होता है तो उससे वो ऑथेंटिक चाइनीज़ टेस्ट आता है। अभी इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और फिर पेस्ट बनाएंगे। सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, हॉट शॉर्ट्स फ्राई हो गए हैं, पेस्ट मेरा रेडी हो गया है। अभी मैंने इसको सिर्फ पका के मिक्स करना था और गैस व्हाट गैस ख़त्म हो गई सिलेंडर में, ऐसे ही होता है। तो शुक्र है यहाँ पे स्टैंड बाय वो छोटे वाले सिलेंडर अवेलेबल होते हैं जिसपे खाना बनाना बहुत मुश्किल है, और यहाँ पे इंटीरियर बलूचिस्तान में गैस नहीं है कहीं पर, तो हमें सिलेंडर्स फिल करके रखने होते हैं और वो हमने बाहर की तरफ रखे हुए हैं और उससे वो पाइप आती है और इसके साथ कनेक्ट होता है। तो अल्लाह जाने अचानक से शायद वो कुरान खानी थी उसमें कुकिंग ज़्यादा हुई। तो खैर अभी शुक्र है हमारे पास अल्टरनेट मौजूद है, अभी जल्दी से इस पे इसको रेडी करते हैं। तो अपना पैन ले लेंगे और इस पे रखेंगे और बाकी की कुकिंग यहाँ नीचे होगी इस सिलेंडर पे जिसने आज हमें बचा लिया। चिकन क्यूब ऐड करेंगे हाफ क्योंकि क्वांटिटी कम है काफ़ी।
चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़े से, क्योंकि इसमें चिली सॉस की जाएगी। सॉल्ट, इसमें हम शुगर ऐड करेंगे, अक्सर लोगों को पसंद नहीं होती है लेकिन टेस्ट इसी से आता है। अच्छे से इसको पकाना है और इसमें हम सोया सॉस और चिली सॉस भी ऐड करके पकाते रहेंगे। साथ साथ टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर किसी चीज़ की कमी पेशी हो तो ऐड करते जाएं। तो ये है चाइनीज कुकिंग इन देसी स्टाइल, सिलेंडर पे बैठ के और हम कुकिंग कर रहे हैं। मुझे अपना हॉस्टल वाला टाइम याद आ गया जब हम इस तरह से कुकिंग करते थे, क्योंकि किचन तक जाने की हिम्मत नहीं होती थी तो सबने अपने अपने स्टैंडर्ड रखे हुए होते थे और उसी पे कुकिंग चल रही होती थी। तो दिस इज चाइनीज कुकिंग इन देसी स्टाइल। अभी हम इसमें ऐड करेंगे केचप। चिली सॉस ऑलरेडी चला गया है, अगर आप चिली गार्लिक सॉस यूज़ करें तो फिर चिली सॉस डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है वो प्लेन केचप है तो इसलिए मैंने चिली सॉस अलग से डाल दी। और ये केचप डालने के बाद इसकी ना काफ़ी कंसिस्टेंसी आप चेक करें, थिक हो गई है। तो इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे और बस जस्ट फॉर फ्यू सेकंड्स, और इसमें हम अपनी चिकन ऐड कर देंगे। ठीक है, चूँकि वहाँ गैस ख़त्म हो गई थी तो चिकन अच्छे से फ्राई नहीं हुई, इसलिए मैं पहले थोड़ा पहले चिकन डाल रही हूँ क्योंकि वो अच्छे से वो पक जाए। और ये कहाँ गई मैं, ये रही। तो ये इसमें मैंने अनियन भी ऐसे क्यूब्स में काटी हैं इस तरह से, और ऊपर जब हम सर्व करेंगे तो उससे पहले मैं उसी तरह से जो गार्लिक लीव्स हैं वो कट करके डालूंगी तो उससे वो गार्लिक का जो फ्लेवर है वो और इन्हांस हो जाएगा। अच्छा, एक और बात, इसमें मैं कॉर्न स्टार्च ऐड नहीं कर रही, कॉर्न फ्लावर ऐड नहीं कर रही, क्योंकि केचप और ये जो हॉट शॉट से जब भी मैं मंचूरियन बनाती हूँ तो इसमें शायद कॉर्न फ्लावर ऑलरेडी कोटिंग में होता है, तो इसलिए वो जब मैं ये ग्रेवी बनाने लगती हूँ तो अच्छा खासा थिक हो जाता है। तो मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। इसमें कॉर्न स्टार्च मैं ऐड नहीं करूँगी, लेकिन अगर आपको सॉस ज़्यादा चाहिए तो जब आप पानी ऐड करोगे तो वो जाहिर है कंसिस्टेंसी उसकी बहुत वो पतली हो जाएगी, तो तब हम ऐड कर सकते हैं। अभी अगर आप चेक करें ये अच्छा खासा थिक हो चुका है, तो मैं इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड नहीं कर रही। एंड में मे भी अगर ज़रूरत हुई इसका सॉस पतला करने के लिए तो ऐड करूं, लेकिन फ़िलहाल मुझे अब तक ज़रूरत नहीं लग रही है। और ये मेरा बेटा आ गया, मम्मा की जान आ गई है, ये पार्क आज अकेले मामा को छोड़ के गया था। क्यों, मामा को क्यों नहीं लेके गए? मामा नहीं,
आई बोल विश यू। इधर आओ, इधर आओ, हाय बोलो। हाय हाय हाय। ओ ओ ओ ओ ओ। चलो ये मेरे पास कैप्सिकम अवेलेबल नहीं है, अल्पिनो है, तो इसका टेस्ट भी वैसे ही होता है, इतना तेज नहीं आता, तो ग्रीन ग्रीन ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं ये ऐड कर रही हूँ। बस ये अभी एंड एंड पे है और अभी इसकी ग्रेवी अच्छी खासी हो गई है और मैं इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड नहीं कर रही। वैसे तो जब घर में वो चिकन मैरिनेट करें तो उसमें सॉस में ज़रूरत होती है। और अभी मैं इसमें अपनी वेजीज ऐड कर दूँगी, अनियन और अल्पिनो, और टेस्ट में साथ साथ देखती जा रही थी, टेस्ट करती जा रही थी, तो टेस्ट मुझे ठीक लगा। मैं इसमें ब्लैक पेपर भूल गई थी, वो मैंने ऐड कर दिया। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और उसका सर ढक दूंगी, और जिस टाइम मैं सर्व करने लगूंगी उस टाइम मैं इस पे गार्लिक लीव जो है वो कट करके डालूंगी। अभी नहीं डालूंगी क्योंकि उसका कलर जो है वो बिल्कुल ऐसे मैशी मैशी हो जाएंगे और कलर भी ख़राब होगा, तो मुझे उसका फ्रेश ग्रीन कलर चाहिए। तो ये हमारे रेडी हो गए, अभी इसको मैं सर्व करने लगी हूँ। अब मैं और फैसल ही है सिर्फ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिशेज नहीं वो करते, प्लेट में सर्व कर लेंगे। और पीछे जिस टाइम काम करने लगो तभी मान को कुछ चाहिए होता है। ये जो मैंने गार्लिक लीव्स वहाँ से काटे थे ये अभी इसके ऊपर डाल देंगे। ठंडा पानी चाहिए आपको? 10-10 रेडी हो गया है चाइनीज फूड इन देसी स्टाइल। बीच में मोबाइल की बैटरी डेड, सिलेंडर खत्म, मान नीचे नाच रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं। फैसल के एक्सप्रेशन लेंगे कि खाना कैसे बना है, खुशबू तो अच्छी आ रही है, स्पेशली जो ऊपर से ये गार्लिक लीव काट के डाले हुए। थोड़ा ये पीछे नीचे मान को भी दिखाएं क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। ये तो हमारे घर की रौनक है, रौनक। तो बस अभी खाना खाते हैं गरम गरम है, इससे पहले कोई और प्रॉब्लम हो जाए, मोबाइल की बैटरी फिर से लो हो जाए, सिलेंडर फिर से ख़त्म हो जाए। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिना सुहेल को इंस्टा पे भी फॉलो कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो ये अभी फैसल खाने लगे हैं मेरा देसी स्टाइल चाइनीज। कैसे बनी है? बड़ा अच्छा है, मज़े किया। ये जैसे वो नहीं कहते गन पॉइंट पे पूछते हैं कि बताओ कैसे है, मज़े की। तो गन पॉइंट पे पूछ रही हूँ या सही सही है? नहीं, मज़े की बनी है। अच्छी है, अच्छी है। मान आपने चीजें खानी है?